हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक एलसीडी रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपके सामने में इसे खोल के रखा है ताकि हमारा समय जो है बहुत सारा बचे और आपको भी समझने में दिक्कत ज्यादा ना हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर क्लियर वीडियो अगर मेरा ना दिखे तो आप मेरी आवाज की तरफ भी ध्यान रख सकते हो और मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस एलईडी को आप देख रहे हो, एलसीडी है, ये छोटा है, 21 से 22 इंच में। तो इसका फॉल्ट सो आपको मैं दिखा देता हूँ और इस बोर्ड के बारे में कुछ जान लेंगे, जैसे कि इसका मॉडल नंबर है। थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो मेरी उंगली के यहाँ पर, मैं आपको बोर्ड की जो मॉडल नंबर है वो दब बता रहा हूँ, FCP-393V-0RU और E23-2205, ये इसका बोर्ड नंबर है। और इसके साइड में दूसरा एक है, इसी का ही है, देख रहे हो यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है जो कटा हुआ है, इसके अंदर 8223। ठीक है, सेम ही है, ये सेम ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये बोर्ड है अपना, जो पहले एलईडी आता था एलसीडी में आ रहा है, ये पहले बोर्ड था, तो अभी भी मार्केट में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉल्ट है इस प्रकार से। मैं पहले इसे ऑन कर देता हूँ, इसका पावर केबल, और आपको बता देता हूँ कि इसमें एक्चुअली फॉल्ट किस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर ना दिखे तो साउंड की तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा, आप इसे ही सीख सकते हो कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। ठीक है, तो इसकी मॉडल की बात करें तो यहाँ पर कुछ एक इसका जो मॉडल नंबर का कुछ पर्ची है, यहाँ पर देखते हैं कुछ दिखता है या नहीं। ठीक है, पता हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप नजर आएगा। थोड़ा इस पर हम जूम कर लेते हैं, देख रहे हो यहाँ पर मेड इन इंडिया का ये एक मॉडल है। ठीक है, यहाँ पर इतना ही लिखा है मेड इन इंडिया और इसका मॉडल नंबर नहीं लिखा है। ओके, तो ये है अपना मेड इन इंडिया का प्रोडक्शन है और कुछ पर्ची कटने की वजह से इसका मॉडल नंबर नहीं दिखा सकता हूं मैं। ठीक है, तो इसका फॉल्ट फिलहाल हम जान लेते हैं, क्योंकि हो सके जितना समय मैं बचाना चाहूँ इसलिए मैंने इसे निकाल लिया है, इस पावर सप्लाई को, और चेक भी किया है इसमें क्या फॉल्ट है, चेक ही आपको मैं डेफिनेटली आपको सिखा सकूं। ठीक है, तो इसमें आपको एक यहाँ पर पावर केबल है और इसका रिमोट की बात करें तो इस प्रकार का रिमोट इसमें एडजस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉल्ट है पावर एलईडी ब्लिंकिंग। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पावर केबल को मैं ऐड कर देता हूं अपनी सीरीज में। तो यहां पर कुछ हल्की सी एलईडी आपको दिखा देता हूं जो कि यहां पर जल रही है। ठीक है, नीचे से आपको दिखा रहा हूं, देख रहे हो यहां पर रेड कलर की एलईडी इसमें ग्लो हो रहा है, जैसे कि मैंने इसे पलटी कर लिया है और पावर सप्लाई भी निकाला है, इस वजह से मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा। ओके, तो मैं इसे रिमोट से इसे प्रेस कर देता हूं, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए पावर एलईडी है, इसके तरफ ही ध्यान दीजिए ताकि फॉल्ट मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो इसे मैं रिमोट को पावर बटन ऐड कर देता हूं, देख रहे हो इसे इंस्टॉल कर दिया, मतलब अभी रिमोट वर्क नहीं कर रहा है, मैं पूरी तरह से एक बार प्रेस कर देता हूं, देख रहे हो यहाँ पर एलईडी अपना जो है बंद हो चुका है, फिर कुछ सेकंड के बाद एलईडी ऑन हो चुका है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसे पलटी कर देता हूं, देख रहे हो यहां पर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है और टीवी जो है ऑन होकर ऑफ हो चुका है। इसमें इसका जो ये सिचुएशन है यही सही सिचुएशन है, तो फिर से मैं इसे ऑन कर देता हूं रिमोट की मदद से, देख रहे हो एलईडी अपना ऑफ हो गया है, मतलब टीवी ऑन हो गया है, और एलईडी फिर से ग्लो हो गया है, मतलब टीवी फिर से ऑफ हो गया है। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक क्या हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ, पावर की बात कर रही है इसमें, तो हम इसमें सहायता लेंगे अपनी मल्टीमीटर की, जैसे कि वोल्टेज चेकअप करने के लिए। ओके, तो इसके मैं प्लग को एड कर देता हूँ और मल्टीमीटर को अपनी यहाँ पर रख देता है ताकि हमें आपको सिखा सके कि फॉल्ट किसमें है और कैसे हम इसे चेक करेंगे। ओके,
तो कौन सा भी इसके बॉडी का मैंने ग्राउंड इसमें ऐड कर दिया है मल्टीमीटर कर यहाँ पर मैं आसानी से इसे रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को ऐड किया है और इसके वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर 5 वोल्ट है। पहले मैं इसके पावर ऑफ कर देता हूँ ताकि मेरे वजह से यहाँ पर कोई भी फॉल्ट ना हो। पावर ऑफ मैंने इसका कर दिया है। ठीक है, पावर ऑफ इसका कर दिया है और इसका पावर एलईडी भी बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ वोल्टेज यहाँ पर दिखा देता हूँ बोर्ड पर ताकि आपको मैं समझा सकूँ। ठीक है, तो थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। ओके, ठीक है दोस्तों, आप भी ठीक से दिख रहा है, अगर ना दिखे तो जरूर ध्यान दीजिएगा। देख रहे हो यहाँ पर एक 5 वोल्टेज है और यहाँ पर कुछ क्रैशेस की वजह से इसमें कुछ फेलिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बता रहा हूँ इसमें फेलिंग है। इसे ऐसे पलटी कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली आपको दिखा रहा हूँ। ओके, देख सकते हो यहाँ पर पहले 5 वोल्टेज है, दूसरा 5 वोल्टेज है, तीसरा भी 5 वोल्टेज है, लेकिन इसमें ऐड है SB, फिर बाद में STB, यहाँ पर लिखा है STB, मतलब ये पावर ऑन का है। जैसे कि इसमें जैसे ही करंट 5 वोल्टेज ऐड होगा तो अपना बोर्ड है जो काम करने लगेगा, जिसे हम कार्ड कहते हैं। ठीक है, वर्किंग करने लगेगा और यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर STB के जगह पर हम वोल्टेज यहाँ पर आता है 5 वोल्टेज स्टैंड बाय होने के बाद। ठीक है, जैसे हम स्टैंड बाय से ऑफ मोड में होता है तब यहाँ पर हमें 5 वोल्टेज मिलता है जो कि प्लस 5 वोल्टेज है SB। अगर इस प्रकार का LED आता है तभी ये काम करेगा, या इस प्रकार का पावर सप्लाई उसमें होगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो तो ये 3 ग्राउंड है और यहाँ पर हमें 12 वोल्ट प्लस और ये ADJ और BL ऑन। ओके, BL ऑन मतलब बैकलाइट और ये एडजस्टमेंट, बैकलाइट की जो ब्राइटनेस है ये एडजस्ट करता है ADJ। ठीक है दोस्तों, तो ये बैकलाइट का जो है एडजस्ट करता है कलर ब्राइटनेस। तो इसमें हम देखते हैं, पहले आपको समझा चुका हूँ कि फर्स्ट हमारा जो है यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है 5 वोल्टेज, यहाँ पर मिलता है 5 वोल्टेज और यहाँ पर भी मिलता है 5 वोल्टेज, लेकिन इसमें है STDB। ठीक है, और बाद में हमें ये 3 ग्राउंड के हैं और यहाँ पर 12 वोल्ट है, यहाँ पर ADJ और यहाँ पर PL। ओके दोस्तों, तो ये हो गई है इसकी नॉर्मल सी जानकारी जो कि आपको सीखनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम चेक करेंगे आपको सामने ही वोल्टेज कहाँ पर कितना आएगा। तो थोड़ा मोबाइल को थोड़ा ऊपर कर ले रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कितने वोल्ट कहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं आप क्या करूँगा, इसका पावर केबल इसके होल्डर में इसे मैंने ऐड किया है, तो ग्राउंड मल्टीमीटर के ग्राउंड को दे दिया है। ओके, तो आप यहाँ पर फोकस कर सकते हो, देख रहे हो यहाँ पर 0-0 है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे पहले इसका 5 वोल्टेज, फर्स्ट वोल्टेज देख रहे हो यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो इसका सेकंड यहाँ पर 12 वोल्ट देख सकते हो, यहाँ पर 12 वोल्ट भी कुछ भी नहीं है और यहाँ पर भी 12 वोल्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें कुछ भी वोल्टेज नहीं है। अब ये 3 पॉइंट है जो ग्राउंड के हैं और ये होता है अपना स्टैंड बाय वोल्टेज जो कि यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है जो कि LED, इस वजह से यहाँ पर पावर LED ग्लो कर रहा है। और ये है STP का, मतलब जो जब यहाँ पर वोल्टेज आएगा 5 वोल्टेज तब हमारा TV जो है वर्सी इसका जो बोर्ड है वो वर्किंग करेगा, यहाँ से 12 वोल्ट इन या 3.3 वोल्ट अपने पैनल के लिए जाएगा और पैनल ऑन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा पावर LED ग्लो करेगा तो देखते हैं यहाँ पर कितना वोल्टेज आता है। पावर LED अपना जो है ऑफ हो चुका है और यहाँ पर हमें मिलना चाहिए 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज आके करा है, तब तक हमारा जो TV है ऑफ हो चुका है, फिर से अपना रेड LED यहाँ पर ग्लो कर चुका है। ठीक है, तो मतलब ये फास्ट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर मैं वोल्टेज नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं इसका दिखा सकूँ और बता रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ पर हम जैसे इस पावर ऑन को कर रहे हैं तो
तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट भी मिल रहा है और एसटीबी की जगह पर हमें भी 5 वोल्ट यहाँ पर भी मिल रहा है और अपना बैकलाइट जो है वो ऑन नहीं हो रहा है और यहाँ पर भी हमें 5 वोल्ट मिल रहा है जो कि बैकलाइट एडजस्टमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि जहां पर इसकी बात करते हैं एलईडी भी ऑन करने की, तो यहाँ पर हमें यहाँ से जो 5 वोल्टेज मिल रहा है रेगुलर जो कि अपनी पावर एलईडी को ऐड करता है, उस जगह से भी अगर 5 वोल्टेज हम लेते हैं और यहाँ पर बीएल ऑन पर जंप करते हैं तभी इसका बैकलाइट ऑन होता है। ठीक है, डायरेक्टली इसका बैकलाइट भी ऑन हो जाएगा ऐसे अगर आप जंप करते हो, इसमें कुछ भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता। ओके, तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर डीजीवीसी ए डीजेएल, ये जो ऑप्शन है इसके साइड में ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, इससे ब्राइटनेस एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर बीएल ऑन पर जम्पर कर देते हैं, तो बात करते हैं इसके 5 वोल्टेज, ये 5 वोल्टेज है जो कि हमारे अगर इस बोर्ड को रेगुलरली इस बोर्ड को जो है ऑन करना है तो स्विचिंग करना है इस पावर बोर्ड को, तो हमें 5 वोल्टेज जो है मिलना चाहिए एसटीबी की जगह पर। ठीक है, एसटीबी की जगह पर हमें 5 वोल्टेज मिलना चाहिए तभी इसका बोर्ड जो है पूरी तरह से वर्किंग करेगा और इसका बैकलाइट भी वर्क करने लगेगा। अगर एसटीबी में करंट आता है तो यहाँ से हमारे बोर्ड से रिप्ले होके डायरेक्टली हमें पावर बोर्ड जो बैकलाइट है उस जगह पर जाएगा, इस सेक्शन में चला जाएगा और यहाँ से हमारा जो बैकलाइट है ये ऑन हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर एचवी है जो पूरी तरह से वर्किंग करेगा। ठीक है, अगर इस पे भी अगर कुछ दिक्कत आ रही तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी जानकारी आपके सामने दे दूंगा। तो इसमें हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही सीखने वाले कि कैसे हम इस बोर्ड को रेगुलरली वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 5 वोल्टेज जो आ रहा था, इस 5 वोल्टेज को हम क्या करेंगे एसटीबी को जंप मतलब शॉर्ट कर देंगे ताकि हमारा जो है 5 वोल्टेज जो है एसटीबी को चला जाए। और इस टीवी की खरी सही खासियत मैं आपको बता रहा हूँ कि यह टीवी ऑन होता है लेकिन 3-4 दिनों में ऑन हो रहा है और बाद में 3-4 दिन चलते ही फिर से ऑफ होता है, फिर से टीवी जो है उसी सिचुएशन में आता है जो आपको मैंने दिखाया। इस वजह से इसका जो पावर वोल्ट है वो काम नहीं कर रहा है, इस वजह से हमें क्या करना है यहाँ पर जो एसटीबी है और 5 वोल्टेज है इसे हमें जंप कर देना है और इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि ग्राउंड को कभी भी इसे शॉर्ट ना हो जाए, नहीं तो ये 5 वोल्टेज भी हमारा डैमेज हो जाएगा और फिर से हमें 5 वोल्टेज के चॉपर का काम करना पड़ेगा क्योंकि इस बोर्ड में दो चॉपर होते हैं जिससे कि 5 वोल्टेज वाला ये चॉपर्स और अपना 12 वोल्टेज वाला ये चॉपर्स। ठीक है, तो ये दो वोल्ट जो चॉपर होते हैं जैसे कि दूसरे जो एलईडी आते हैं उसमें 3 चॉपर होते हैं 5 वोल्टेज 12 वोल्टेज और 24 वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो इसमें दो ही वोल्टेज है जैसे कि 12 वोल्ट और 5 वोल्टेज, तो इससे हमारा जो टीवी है वर्किंग करने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 5 वोल्टेज को जंपिंग किया है अच्छी तरह से क्योंकि ग्राउंड से ऐड ना हो और यहाँ पर इसके 5 वोल्टेज को भी ये ऐड ना हो। ठीक है, तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ टीवी को और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप भी जो है हमारा टीवी है वो किस सिचुएशन में है। तो मैंने इसे ऑन किया है तो यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मल सा हमारा जो एलईडी है इसे देख रहे हो, यहाँ पर नॉर्मल सा एलईडी अपना ग्लो हो चुका है रेड कलर का। ठीक है, तो जो एसटीबी है इस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, एसटीबी पर ये देख रहे हो यहाँ पर एसटीबी पर मैं इसे ऐड कर देता हूँ तो अपना यहाँ पर 5 वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, 5 वोल्टेज मिल रहा है मतलब अपना टीवी जो है इसका जो बोर्ड है पूरी तरह से वर्किंग करेगा और बीएल ऑन को करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी देखेंगे। देख रहे हैं बीएल ऑन को कुछ भी करंट नहीं है और एसटीबी को भी कुछ भी करंट, एसटीबी को करंट आ रहा है बीएल ऑन को नहीं आ रहा और बैकलाइट एडजस्टमेंट को नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इस सिचुएशन में हम इस टीवी को ऑन करेंगे और देख लेंगे कि टीवी जो है इस सिचुएशन में कम्प्लीटली पूरा होता है या अभी भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैंने इसे देख रहे हो यहाँ पर पावर एलईडी जल रहा है, आप ध्यान दीजिएगा पावर एलईडी यहाँ पर जल रहा है। मैं इस रिमोट को प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस कर दिया तो फिर से प्रेस कर रहा हूँ, कुछ वर्किंग नहीं दिखा रहा। देख रहे हो यहाँ पर अपना पावर एलईडी जो है पूरी तरह से ऑफ हो गया है, फिर से ऑन हो चुका है। ठीक है, तो हम इसे फिर से ऑफ करेंगे, वन टाइम इसे ऐड किया,
तो इस जंपिंग करने के बाद हम इसने वोल्टेज चेक नहीं किया था, तो हम इसे वोल्टेज चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज आ रहा है। जैसे कि इस टीवी को मैंने 5 वोल्टेज ऐड किया, तो हमें मिलने चाहिए यहाँ पर 12, यहाँ पर 5 वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पर भी 5 वोल्टेज आ रहा है जो फर्स्ट नंबर पर नहीं आ रहा था, और इस 12 वोल्टेज में आ रहा है, ये देख रहे हो यहाँ पर 12 वोल्ट की जगह 15 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये यहाँ पर ठीक है। ओके, तो इस सिचुएशन में हमारा टीवी जो है ऑन होना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें 3.3 वोल्टेज मिलना चाहिए, ये जो रेगुलेटर दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें मिल रहे हैं 1.2 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर यह रेगुलेटर है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, देख रहे हो यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिल रहा है, और ये रेगुलेटर है यहाँ पर भी हमें 3.3 वोल्ट ही मिलना चाहिए, देख रहे हो ये वो रेगुलेटर, तो यहाँ पर भी हमें 3.3 मिल रहा है, और यहाँ पर हमें मिलना चाहिए 3.3, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 2.5 वोल्टेज, ठीक है दोस्तों, 2.5 वोल्टेज, तो यहाँ पर भी हमें मिलता है 1.2 वोल्ट, मतलब टीवी जो है हमारा वर्किंग कर सकता है। तो इसे हम ऑन करके देखते हैं ये टीवी वर्किंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पहले हमने ऐड किया, तो हम इसे रेड लाइट को हम देख सकते हो, रेड लाइट को हमने प्रेस कर दिया तो रेड लाइट चल गई है, फिर से रेड लाइट इसमें ऑन हो चुकी है, ठीक है। तो इस सिचुएशन से हम कैसे निकलेंगे, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा आप देख सकते हो, इसे मैंने ऑन किया तो वैसे ही ये काम कर रहा था, लेकिन इसमें 12 वोल्ट जो है ऐड हो रहे थे, तो सिर्फ प्रॉब्लम आ रहा था अपना बैक लाइट ऑन का, ठीक है दोस्तों। तो बैक लाइट ऑन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस यहाँ से जंप करके यहाँ पर 5 वोल्टेज ऐड किया है, तो इससे बैकलाइट भी ऑन हो रहा है और अपना टीवी जो है वो भी ऑन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ बैकलाइट इसका ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो इसका सॉकेट में इसे ऐड कर देता हूँ, तो हमारा बैकलाइट जो है अभी डायरेक्टली ऑन हो जाएगा स्विच, बिना स्विच के, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी लाइट ग्लो कर रही, जो कि मैं आपको इसे उठा के दिखा देता हूँ, पैनल को देख सकते हो यहाँ पर व्हाइटनेस नहीं आ रही है, जो कि ये जो कुछ दिखना चाहिए उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, इसके पावर ऑन को ऑन करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो रेड लाइट यहाँ पर दिख रही है आपके सामने ही, पावर ऑन कर देता हूं इसे, पावर ऑन कर दिया, देख सकते हो यहाँ पर साउंड भी पूरी तरह से इसमें ऐड हो चुका है, मतलब अपना सेटअप जो है पूरी तरह से ओके ऑन हो जाएगा, देख सकते हो। इस सिचुएशन को इस टेक्निक से आप हैंडल कर सकते हो और अपने इस टेक्निक से टीवी को ऑन भी कर सकते हो, क्योंकि इसका जो फॉल्ट है ये बैकलाइट का है, ये इस वजह से बैकलाइट इसका ऑन नहीं हो रहा था, और बैकलाइट ऑन ना होने की वजह से अपना जो प्रोसेसर है इसमें ऐड नहीं कर रहा था टीवी को, और काम नहीं कर रहा था, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो बैकलाइट इसका चल रहा है, मतलब अपना सेट है पूरी तरह से ओके हो जाएगा। वीडियो को इसमें ऐड कर देता हूं, और भगवान बाबा इस मुद्दे को लेकर कमाल के जोश में है। दरअसल अयोध्या का मुद्दा भगवान